भी आई हैड बीन टीचर एज बी वेल और अलॉन्ग विद सो मैनी थिंग्स, क्योंकि टीचिंग शिप को मैं ये समझती कहूँगी है मेरे थी फादर। और मेरा कॉन्सेप्ट उनका एक जुमला था, उसके अलावा उनकी मोटिवेशंस भी बहुत थी। और व्हाट आई थिंक अबाउट द टीचिंग शिप इज ये कि टीचर इज बीइंग पॉलिश्ड ऑन द डेली बेसिस। तो सॉल्यूट टू ऑल टीचर्स, और टीचर जो जितनी भी है ना वो एक जॉब नहीं करती। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें वी ऑलवेज हाईली पेड एज कम्पेयर टू टीचर्स स्पेशली, और हमारी एक स्पेसिफिक जॉब होती है। लेकिन टीचिंग के बारे में मैं कहूँ कि टीचर बच्चों को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, उसके बाद उनको पढ़ाना, ये दो जॉब्स हो गई। पढ़ाने के बाद एक चेक रखना कि जो पढ़ा रही हैं वो बच्चे ग्रैप कर पा रहे भी हैं कि नहीं कर पा रहे, उसके लिए एग्जामिनेशन, तीन जॉब हो गई। उसके बाद उनकी कॉपीज और उनके रिजल्ट्स और ये सारी चीज़ें चेकिंग और मेकिंग, वो एक चौथी जॉब हो गई। उसके बाद वो जो मैनेजमेंट है जिसके वर्ल्ड बहुत ज़्यादा जॉब कर रही हैं उनको पूरा एक सेटिस्फाई करना, ये एक पांचवी जॉब हो गई। और उसके बाद फिर उनकी, तो टीचिंग शिप पे मैंने बहुत सीखा। और सबसे ज़्यादा टफ है टीचिंग, और मैं ये कहूँगी टीचिंग शिप में टफ टाइम भी बहुत मिलता है। मैं आई वुड नेवर से के इतना आप लोग भी एडमायर कर रहे हैं, एंड आई ऑलवेज यूज टू रिसीव एडमायरेशन फ्रॉम सो मैनी प्लेसेज, जितनी भी जगहों पर काम किया। लेकिन टीचिंग शिप पे मैं ये कहूँगी ना सिर्फ मैं, वहाँ पे मौजूदा जितनी टीचर्स थी ना, मैं नहीं समझती थी जिस तरह से वो काम कर रही हैं उस तरीके से उनको कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फेवरेटिज्म बहुत था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ टीचर्स को एडमायर कर रही हूँ, स्कूल मैनेजमेंट्स को, किसी भी स्कूल, हालांकि मैंने एक लंबा लंबा अरसा जॉब किया, मतलब एक जगह 5 साल की।